Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक गुड न्यूज है सबके लिए. गेस करो मुझे क्या मिला है. मैं बताता हूँ. जहाज मिल गया तुम्हें. यस, मुझे अपने जहाज को तब्दील करने के लिए बहुत से नए जहाज मिले. आगे बताइए. पहला था काय मेरा, एक ऐसा जहाज जिसका मजबूत चट्टाने भी कुछ ना बिगाड़ सकी. समंदर की लहरों से लड़ते हुए कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर भी डूबा नहीं. ये है काय मेरा. इसके अलावा एक्चुअली बात यह है कि अभी तक सिर्फ यही मिला है. और नहीं थे क्या? और भी थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए. तुम्हारे मयार पे तो कोई पूरा ही नहीं उतरता हमेशा की तरह. हमें जल्द ही इस बारे में कुछ करने की जरूरत है. सोने के सिक्के कितने हैं? नहीं है. नहीं है? नहीं, 3 सोने के सिक्के बचे थे जिसे देखकर मैंने अपनी स्नूकर मुकुम के लिए ये ले लिया. टन टन टन. कैसा लगा तुम्हें? हाँ, इसे वाकई नहीं करना चाहिए था. ओह कम ऑन, तुम्हारे लिए कुछ भी. वैसे भी सोने के वो सिक्के मैंने चुराए थे तो क्या फर्क पड़ता है ना? क्या कहा तुमने? चोरी किए थे? तुम क्या कहते हो अली बाबा? देखो, पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम कोई जहाज खरीद सके. तो फिर एक ही जगह है जहाँ बेशुमार दौलत मौजूद है. अली बाबा और 40 चोर, उस घर के बारे में सोच रहे हो ना? यस, अली बाबा और 40 चोर. मैं बिल्कुल यही सोच रहा था शायद. हाँ, उनके पास काफी सोना है, हम जहाज खरीद सकते हैं. हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चोरी करना है और चोरी करना बुरी बात है. लेकिन वो सारा सोना चोरी का है और वो उसके असल हकदार नहीं है. हाँ, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हमारा ये ब्लू फ्रेंड वापस प्रिंस करीम बन जाएगा. जरा सोचो, इस प्लान की कामयाबी से इस शहर के हर शख्स को फायदा होगा. इसमें क्या बुराई है शेरजाद? हाँ, सही कह रही हो तुम. उस पहाड़ी के बाद है ना? हाँ, उस बड़ी पहाड़ी के बाद जो नीचे छोटी पहाड़ी है, बिल्कुल वहीं पर. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जितना आपने मुझे बताया है उससे कहीं ज्यादा दफा आ चुके हैं यहाँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे सुल्तान, शेरजाद को पहाड़ी इलाकों में देखा गया है और अभी तक वो जिंदा है. हम तो समझे थे कि शेरजाद डूब चुकी है स्टॉर्म बैरियर में. दुनियाजाद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. क्या पसंद नहीं आएगा मुझे? दुनियाजाद, वेलकम. वाह, क्या आवाज पाई है आपने. स्वीट, सिल्की, खूबसूरत. उस्मान, क्या तुम मेरे यहाँ आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं सिर्फ सुल्तान ही को जवाब दे हूँ और किसी को नहीं. मेरे बगैर सुल्तान कोई फैसला नहीं करते. तुम्हें मालूम नहीं है ये बात? आज के बाद पहले मुझे बताना. मैं माफी चाहता हूँ आपसे. क्या इत्तला है वहाँ की? एक गुड न्यूज है दुनियाजाद, बल्कि उससे कहीं ज्यादा. मैं उस्मान को ऑर्डर देता हूँ कि वो आपको बताए. वो लड़की शेरजाद जिंदा है अभी तक. क्या? वो जिंदा है? मैं उसे छोड़ के क्या है वो? वो उस पहाड़ी इलाके से गुजरती हुई देखी गई जिस इलाके को 40 चोरों के नाम से जाना जाता है. बाहर आओ मेरे एम्स. नहीं, बिल्कुल नहीं. नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ जाओ, ढूंढो शेरजाद को, पता करो वो क्या कर रही है. उसकी हर खबर चाहिए मुझे. जी मालिक. और उस्मान, तुम भी अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाओ वहाँ. मैं भी वही मिलूंगी. अगर सुल्तान इसका हुक्म देंगे तो? कैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल. हाँ हाँ, देंगे बिल्कुल. उस्मान, जैसे ही कहें पहले इनकी मानना है. आपका हुक्म सर आंखों पे मेरे सुल्तान.